2017 के पहले उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने चार चार बार प्रदेश में शासन किया, एक लंबे समय तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे, वे उत्तर प्रदेश को कहां लेके गए थे? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेशवासियों के सामने, एक पहचान का संकट आया था। यहां का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था तो हे दृश्य देखा जाता था, नौजवान कहीं जाता था नौकरी नहीं मिलती थी, यहां तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलती थी। किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 के पहले बना दी गई थी। महोदय, कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए? और आज उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है। पूरा देश अभिभूत था, पूरी दुनिया के अंदर हर वह व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, वह अभिभूत था, गौरवान्वित था। हर सनातन धर्मावलंबी की आंखों में आंसू थे, हर्ष के, गौरव के, और अपनी कई पीढ़ियों को वह इस आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ सहभागी बनकर के अपनी पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी कर रहा था और तर्पण भी अर्पित कर रहा था।